हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदुज किचन। आज मैं बना रही हूँ रोटी से हेल्दी नाश्ता। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रोटी से नाश्ता बनाने के लिए मैंने रोटी ली है और इसमें अंदर डालने वाले मसाले हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, प्याज और हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर दिया है और पुदीने को मैंने जो सूखा था उसको एकदम बारीक करके इसके अंदर डाल दिया। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। और इसके अलावा मैंने तेल लिया है। सबसे पहले इस रोटी पे हल्का सा तेल लगा देंगे, फिर इसमें मसाले में नमक जैसा आप पसंद करते हो वैसे डाल सकते हैं, मिर्ची, हल्का सा जीरा। अब इस मसाले को पूरी रोटी पे यूं फैला देंगे। अब प्याज, हरी मिर्च, पुदीना है जो एक साइड डाल देंगे रोटी के। मसाले अच्छे से लग चुके हैं। प्याज हरी मिर्च में मैंने आधा डाल दिए और इसको से डबल कर देंगे। और तवा मैंने गैस पे ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है, हल्का सा फिर तेल लगा देंगे इस पर। इसको मीडियम आंच कर देंगे, हल्का सा दबा देंगे। अब इस डबल को वापस दूसरी तरफ से बदल देंगे। इस तरफ से हल्का हल्का ब्राउनिश हो गए हैं, वापस थोड़ा हल्का सा तेल डाल देंगे इसमें। इसको हल्का कुरकुरा होने तक अच्छे से इसको सेक देंगे। अब ये रोटी का डबल दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है और कुरकुरा भी हो चुका है। इसको दूसरी प्लेट में ले लेंगे और दूसरे बने हुए डबल ऐसे इसी तरह सेकते रहेंगे धीमे और मीडियम आंच में। अब ये तैयार चटपटे कुरकुरे स्वादिष्ट स्नैक्स आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि इनको तवे पे रोस्टेड करते हैं, ऑयल फ्री भी होते हैं, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डाला जाता है, हेल्दी भी होते हैं। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।